हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको मेरा दिवाली स्टैश दिखाने वाला हूँ 2020 का, अनबॉक्सिंग करके प्राइसिंग के साथ। तो दोस्तों ये सब फटाके हैं मेरे पास, तो चलिए एक एक करके मैं आपको प्राइस बताता हूँ और अनबॉक्सिंग भी करके दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे पास ये सिंग पॉप, ये क्रैकलिंग अनार है और ये मुझे 94 रुपीज़ का पड़ा था। और अगर अंदर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह का है और काफ़ी वज़नदार भी है। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारे पास वो है ये कोड़िया कंपनी का गोल्डन फ्लावर पॉट, ये मुझे 178 रुपीज़ का पड़ा था। और अगर अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये बड़ा बड़ा साइज़ का इसमें अनार है और काफ़ी वज़नदार है, तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये राजेश्वरी का सायरन, मैजिक सायरन है, ये मुझे 195 रुपये का पड़ा था। और अगर अंदर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो ये रहा, ये मस्त सायरन होता है, पूरा ज़ोर से आवाज़ करता है और इसमें एक स्टैंड भी दिया है जैसा आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये मल्टी कलर फाउंटेन, ये मुझे 217 रुपये का पड़ा था। और अगर मैं फोन करके इसे दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का इसमें फाउंटेन है, अलग अलग कलर का और कार्टून बना हुआ है, और ये कुछ इस तरह का है जो कि उम्मीद करता हूँ बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये गोल्डन एमरल्ड और गोल्डन स्ट्रॉबेरी, मैं एक खोल के दिखाता हूँ। इसमें ग्रीन लिखा हुआ है मतलब ग्रीन कलर का लाइट होके ऊपर जाएगा और गोल्डन फटेगा, और रेड लिखा हुआ है मतलब रेड कलर का लाइट करते हुए ऊपर जाएगा। और हाँ दोस्तों इन सब की टेस्टिंग की वीडियो भी मैं करने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। और ये दोस्तों मुझे पड़ा था 225 रुपये का, तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कैसा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का छोटा छोटा शेल है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया चलेगा क्योंकि कॉप ब्रांड का है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये 5 पीस लूनिक एक्सप्रेस रॉकेट, ये तो आप सभी ने देखा होगा, बस मैं प्राइस बता देता हूँ, ये 135 रुपीज़ 135 रुपये का एक डब्बा पड़ा, तो टोटल 5 डब्बा है मेरे पास। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये कृष्णा कंपनी का टावर ऑफ मलेशिया, काफ़ी बड़ा स्काई शॉट है जैसा आप लोग देख सकते हैं इसको, इसे ज़रा सा खोल के देखते हैं। वो इसकी भी टेस्टिंग मैं करूँगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। वाह ये देखिए दोस्तों, ये पूरा डब्बे के साइज़ का काफ़ी बड़ा स्काई शॉट है। अगर आप लोग ये सुपरस्टार रॉकेट के सामने भी देखिएगा तो भी पता चलेगा इसका साइज़ कितना बड़ा है। और ये मुझे दोस्तों पड़ा था 288 रुपये का पड़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों ये स्पाइडर वंडर, ठीक है, और ये मुझे पड़ा था 360 रुपये का। चलिए इसे खोल के दिखाता हूँ, इसमें भी 3 पीस का ये डब्बा है और जैसा आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह के स्काई शॉट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा वज़न ठीक है इसका, और इसमें 5 वंडर लिखा हुआ है। इसकी भी टेस्टिंग मैं करूँगा, तो चैनल तो बने रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये सुपरस्टार रॉकेट और ये गोल्डन विलो रॉकेट, दोनों सबसे बड़ा रॉकेट है मुझे लगता है जो यहाँ मिलता है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों कुछ इस तरह का रॉकेट है ये, बहुत अच्छा पैकिंग किया हुआ है कॉप ब्रांड वालों ने, ये देखें। तो इधर से भी खोल लेता हूँ इसे दोस्तों, ये देखें कुछ इस तरह का रॉकेट है इसका, और ऊपर में बम लगा हुआ है तो काफ़ी मस्त चलेगा। और दोस्तों ये मुझे पड़ा था 321 रुपये का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास गोल्डन विलो रॉकेट, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, तो मैं डब्बा नहीं खोल रहा हूँ, और ये मुझे पड़ा था 331 रुपये का, ये भी 10 पीस का डब्बा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये लार्ज स्काई शॉट कॉक ब्रांड का, और इसका नाम है एरियल गोल्ड फ्लैश, तो दोस्तों ये जो है मुझे मिला था 198 रुपीज़ का। मैं इसका साइज़ दिखाता हूँ जल्दी से आपको खोल के, तो दोस्तों अगर आप लोग देखें तो कुछ इस तरह का है, ये देखिए काफ़ी मोटा है, मेरा हाथ में भी बढ़िया से नहीं आ रहा है। और ये मुझे पड़ा था 198 का,
और साथ में दोस्तों सेम है साइज़ ये पाम गार्डन का, ये भी 198 रुपये का पड़ा दोस्तों मुझे। तो ये सब की टेस्टिंग भी मैं ज़रूर करूँगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये गोल्डन सेरेमनी, ये श्री कृष्णा ब्रांड का है और ये मुझे 270 रुपये का 3 पीस मिला। और अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ दोस्तों कुछ ये, अच्छा इसमें टेप लगा हुआ है तो दोस्तों ये रहा हमारा स्काई शॉट। ये भी काफ़ी अच्छा साइज़ देखिए इसका, अगर हम कंपेयर करें तो लगभग बराबर है, बस बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसको भी टेस्ट करके देखेंगे कैसा चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये कॉक ब्रांड का, ये तीन ब्लॉसम, जैस्मिन कोर और गोल्डन क्लासिक, तीनों सेम साइज़ का है। तो एक मैं खोल के दिखाता हूँ, और ये सब मुझे पड़ा था 333 रुपये का, 333। और जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसमें ये तीन सेल है अलग अलग, और स्टैंड भी दिया हुआ है साथ में, और साइज़ कुछ इस तरह का है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया चलेगा, कॉक ब्रांड का है। तो ये तीनों का दाम सेम है 333 रुपये। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर हम आए तो हमारे पास है ये राजेश्वरी का शूटिंग स्टार, काफ़ी भारी है और ग्रीन फायरवर्क्स भी है। तो दोस्तों ये मुझे पड़ा था दोस्तों 560 रुपये का, जैसे इसमें लिखा हुआ है। और फोन के अगर मैं इसका साइज़ आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ तो दोस्तों काफ़ी वजनदार है ये, और इसकी टेस्टिंग की वीडियो भी मैं डालूंगा चैनल पे, तो बने रहिएगा। और एक टेप भी लगा हुआ है इसमें, तो टेप खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों इसका, आप साइज़ देखिए क्या गजब का, और वेट भी काफ़ी बढ़िया है। तो उम्मीद है बहुत बढ़िया चलेगा ये। और अगर इसको हम कंपेयर करें कॉक ब्रांड का एरियल गोल्ड फ्लैश के साथ, तो उससे भी थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे। तो चलिए वो तो टेस्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे चलेगा। और ये मुझे 560 के आसपास पड़ा जैसा मैंने बताया। और लास्ट में दोस्तों हमारे पास है ये राजेश्वरी का फायरवर्क्स का, ये सबसे बड़ा स्काई शॉट है जिसका नाम है क्रैकिंग फ्लावर्स, और ये मुझे 580 कुछ रुपीज़ का पड़ा था। और इसको अगर खोल के मैं दिखाऊं आपको तो कुछ दोस्तों, वाह ये रहा देखिए इसका साइज़ दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। क्रैकलिंग फ्लावर्स नाम है, डक ब्रांड है, और इसकी भी टेस्टिंग मैं ज़रूर करूँगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अगर इससे मैं कंपेयर करूँ इसी के दूसरे छोटे भाई से, तो ये देखिए साइज़ का फ़र्क काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं ये तीनों को कंपेयर करूँ, एरियल गोल्ड फ्लैश, क्रैकलिंग शावर, तो देखिए आप साइज़ का अंतर देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा इस साल का दिवाली स्टैश का अनबॉक्सिंग, ये मेरा पहला स्टैश है, और भी स्टैश की वीडियो आने वाली है तो चैनल पे बने रहिएगा। और दोस्तों इन सब की टेस्टिंग की वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।